इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द ऑफ ए फ्रंटियर स्टेट. फ्रंटियर स्टेट मतलब, हाँ मतलब कौन सा स्टेट है नारकोटिक्स वाला है, मतलब उड़ता पंजाब का कस्टडी है ये, ठीक है. इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रंटियर स्टेट नारकोटिक मेनेंस हैज बीन रैम्पेंट. दिस हैज रिजल्टेड इन मनी लॉन्ड्रिंग, मशरूमिंग ऑफ पॉपी फार्मिंग, आर्म स्ट्रगल, स्मगलिंग एंड नियर स्टॉलिंग ऑफ एजुकेशन. द सिस्टम इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स. द सिचुएशन हैज बीन फर्दर वर्सन्ड बाय अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स दैट द लोकल पॉलिटिशियन एज वेल एज सम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आर प्रोवाइडिंग सरप्शियस पेट्रोनेज टू द ड्रग माफिया. At that point of time, a woman police officer known for her skills in handling such a situation is appointed as SP to bring the situation normalcy. If you are the same police officer, abhi isme crack crux dekho, even if you are a male candidate, you means you too or me, hamara answer aise hi likhna hai ki we are female candidate, theek hai. Nahi itna change to hoga nahi, hardly 1%, but यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदरवाइज. वो होता है ना नॉर्मली, जैसे मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ ब्रीफली, अभी ये आ गया तो इंटरव्यू में क्या होता है, ये दो क्वेश्चन हम पूछते हैं कि विमेन रिजर्वेशन होना चाहिए यूपीएससी में. तो मोस्ट ऑफ द विमेन कैंडिडेट से नो, नॉट रिक्वायर्ड. मोस्ट ऑफ द मेल कैंडिडेट से यस, इट इज रिक्वायर्ड. बोथ आंसर्स आर करेक्ट इन इंटरव्यू. वाई? Because when male candidate says, it shows concern for equality, preferential action, or उसको क्या बोलते हैं, positive discrimination. When female candidate says it, that is also good way. Like male candidate shows its whatever strength he has with respect to administration being equal and all. When female candidate says that, she is like, you know, confidence, courage, or confidence on oneself. मेल कैंडिडेट ने मना कर दिया तो फिर वी हैव टू प्रूव अ लॉट व्हाई आर यू सेइंग दिस. आई एम नॉट सेइंग वो रॉन्ग, रॉन्ग आंसर तो इंटरव्यू में कुछ होता ही नहीं है. फिर उसको आपको जस्टिफिकेशन बहुत देना पड़ेगा. ये मैं बता रहा हूँ कि ऑन व्हाट बेसिस यू हैव टू हैव सम 2-3 पर्सनल एग्जांपल्स, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव सच एग्जांपल वेर यू क्लियरली नो डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस. रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, ग्लास सीलिंग का इश्यू है. विमेन सेइंग इट, इट्स नॉट अबाउट द इश्यू. ये कोई जीएस का इशू नहीं, आई मीन कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है. व्हेन यू विल सिट एज अ सेक्रेटरी, यू विल बी स्टिल सेइंग दैट यहाँ पास करना चाहिए, इवन इफ यू आर वुमेन कैंडिडेट. बट हियर इंटरव्यू में आपको शोकेस क्या करना है. तो आई एम सेइंग बोथ आंसर्स आर परसीव्ड टू बी अ गुड पर्सनैलिटी ट्रेट, ये मैं बोल रहा हूँ. तो यहाँ पे भी इफ यू आर द सेम पुलिस ऑफिसर, Identify various dimension of the crisis based on your understanding, suggest measures to deal with the crisis. Dekhiye. Yes. See, dimensions means, number one, that is obviously security, very important aspect. But what all other aspects that are impacting, that are actually getting impacted by this? Social aspect broadly, which includes youth, economic aspect, money laundering, economic to employment was one thing. Another thing is political, in bracket international. So security is other issue. It's a political issue also when it comes to international relations. Border state hai, wahan se bhi cheeze aa rahi hai. Money laundering matlab kahan se ho rahi hai phir? और क्या है, यस करप्शन, आई मीन एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट. सी नाउ व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व समथिंग, उसको हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू आवर जॉब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल. ये सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऐसे कहाँ लिख के आता है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ओके क्लोजर, प्रीएम्बल का किस चीज में आता है, प्रीएम्बल में जस्टिस याद नहीं है, प्रीएम्बल मैंने बोला था रट के रखो, बोलिए आप बोलिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वेरी
Very good. And secure to all its citizens. Justice. Justice of social, social, economic, political, liberty, expression, belief, faith and worship. Very good. Equality of very good status and of opportunity. Fraternity, ensuring or securing, or no, I think ensuring the fraternity of fraternity and it is nisham, but fraternity pehle aata hai. Fraternity, ensuring the dignity of the individual and integrity, unity and integrity of the nation. So social, political, economical, legal, ek tarike se yahan pe legal aspect bhi hai, because they are doing illegal job. Now, wo bhi ek discussion hai, whether it should be made legal, illegal, wo alag debate hai. International influence hai, political, administrative dimensions hai. Theek. So abhi har wo front jo humne baat ki, legal, political, security, right, har ek ko aap as a SP क्या टैकल करोगे, यही क्वेश्चन है. तो लाइक फॉर एग्जांपल द फर्स्ट थिंग इज लीगल बिकॉज दे आर डूइंग इलीगल जॉब. सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव विद रिस्पेक्ट टू करप्शन एंड नेक्सस एंड ऑल दैट. थर्ड इज सोशल. ओके, नाउ यू कैन इंक्लूड हेल्थ इन इन इट, और मे बी यू कैन क्रिएट इट एज अ सेपरेट पॉइंट ऑल्सो हेल्थ, बिकॉज मेंटल हेल्थ क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम हियर. देन ऑब्वियसली सिक्योरिटी. Then economic in slash financial, right? और क्या क्या है? तो इसमें what is the problem in legal? Basically implementation of PMLA. ठीक, देन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिकली करप्शन, नेक्सस. नहीं नहीं, मैं लिख रहा हूं, आप लिखिए ना, थोड़ा दो तीन स्टेटमेंट लिखने हैं बस. नो नहीं नहीं नहीं, दिस इज हाफ ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द क्राइसिस. द वन क्राइसिस इज दे आर डूइंग आउटराइट इलीगल एक्टिविटी. They are breaking PMLA, they are breaking IPC provisions, relevant provisions, narcotics acts and other substances. Second, there also seems to be corruption and the nexus between administration and the bureaucracy. Perhaps that's the reason bureaucracy is, that is administration is not able to, dimensions likh rahe bas abhi, abhi main bol raha hu ki kya karna hai. Wo second part hai question ka, aap confused kyun ho. Based on your understanding, suggest the measures. To wo yahan pe jab dimensions likhenge, फिर मेजर्स लिखेंगे. हाँ, तभी तो. और फिर हर एक डायमेंशन का मेजर्स लिखेंगे एज एसपी. एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, फिर सोशल में क्या क्या दिक्कतें हो रही है. यूथ, बेसिकली यूथ में एजुकेशन का कोलैप्स हो है, हेल्थ भी कोलैप्स होगा, ओवरऑल क्राइम भी. नाउ हियर क्राइम एज इन यूथ गेटिंग इनटू क्राइम, वो वाला. हेल्थ वाला तो है, मेंटल हेल्थ ड्रग्स का तो हेल्थ इंपैक्ट है. सिक्योरिटी पर्पज तो आपको बताइए, बिकॉज इट्स अ बॉर्डर स्टेट, सो आर्म्स आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड दिस यूथ आर गेटिंग फॉलिंग प्रे टू दैट इलीगल थिंग्स हैपनिंग होल. इकोनॉमिक तो मनी लॉन्ड्रिंग से हो रहा है. बेसिकली पंजाब और पाकिस्तान समझ लो, आप पंजाब पुलिस मतलब आईपीएस मिल गया पंजाब कार्डर, और वो डिस्ट्रिक्ट मिल गया जहां पर चल रहा है ज्यादा तरीके से. फिर आएगा मेजर्स. Now बताओ what all the measures? Question में if you are the same officer, suggest measures to deal with the crisis. Legal में क्या करोगे? नहीं, the first legal में make a special team of trustworthy officers and with on mission mode take strict action against all perpetrators. स्पेशल टीम, स्पेशल फोर्स नहीं बना सकते आप,
फोर्स तो सेक्रेटरी बनाएगा ऊपर बैठ के, होम सेक्रेटरी। आपको स्पेशल टीम बनानी है एज एन एसपी जो आपके इसमें काम करे। बिकॉज वाई स्पेशल टीम? बिकॉज सम पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है, जो इन्वॉल्व नहीं है उनको लेना पड़ेगा। हाँ वही करना पड़ता है एक्चुअली। अल्टीमेटली यू हैव टू मेक अ स्पेशल टीम, ट्रस्ट वर्दी पीपल, यूर एसपी, यू कैन एटलीस्ट इन योर डिस्ट्रिक्ट आप बोलेंगे यहां नहीं चलने देंगे, यू नो यू हैव टू बी सिंगम देयर इन दिस एस्पेक्ट। वो उनका नाम आया था ममता सिंह ना, लेडी सिंगम जिनको बोल रहे हैं, या फिर बहुत सारे लेडी सिंगम तो बहुत है। नहीं कोई ऐसा काम करे उनको लेडी सिंगम तो बोलेंगे ही, बट जो बहुत करेजियसली, बहुत ही स्ट्रेस लेके, बहुत ही पेनफुल जॉब, पेनफुल साइड ऑफ द जॉब हाथ में लेके काम करना, सिंगम ही है फॉर गुड रीजंस, यू नो डैशिंग एंड ऑल दैट। ठीक है, देन नो नाउ योर आंसर शुड बी, मतलब टू द एक्सटेंट पॉसिबल एक में लीगल खत्म करो, पॉइंट नंबर वन में। एसपी के तौर पे क्या कर सकते हैं? हाँ आप ये कर सकते हैं कि ऑल द रिलेवेंट बॉडीज शुड बी गिवन इन्फॉर्मेशन लाइक ईडी एंड अदर, वो ईडी होता है बेसिकली, वो इसमें आएगा एक्चुअली, इसमें आएगा जब बाद में। वही तो आई एम सेइंग, व्हेन यू राइट दिस सिक्स पॉइंट्स, सेकंड थिंग वुड बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, वन पॉइंट विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस, योर आंसर इज ओवर, डोंट गिव एनी अदर ड्रामा देयर। अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव व्हाट कैन बी डू? How? No, it's very difficult as SP, you can do anything, but at least some data gathering, possibly report can be submitted, confidential report can be submitted to the seniors. ऐसे तो होता ही है ना, रिपोर्ट तो जाती है, सीबीआई वगैरह काम क्या करता है, वही तो करता है सीबीआई। हम सीबीआई तो नहीं है, लेकिन यू कैन सबमिट दिस रिपोर्ट टू द सीनियर्स अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस थिंग। देन सोशल में वो यूथ के लिए प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जो अरेस्टेड यूथ है उसको डी एडिक्शन सेंटर में डाल सकते हैं, कंपल्सरी उनको कर सकते हैं, उनके फैमिलीज को इन्वॉल्व करके चीज़ें कर सकते हैं, अवेयरनेस कैंप्स कर सकते हैं जो नए यूथ उसमें ना जाए। ये सब उड़ता पंजाब में दिखाया भी है, हाउ दैट पुलिस ऑफिसर डज, वो क्या नाम उसका सिंगर सुशांत उसका नाम है ना, दलजीत, हाँ तो उसने उसका जो रोल दिखाया थोड़ा बहुत, मतलब वो अलग थोड़ा मूवी बनाया है, ही इज नॉट वेरी डैशिंग और एनीथिंग, सिंपल ऑफिसर है, बट आई एम सेइंग वो सब कर सकते हैं अवेयरनेस की जो नहीं लोग जा रहे हैं। देन हेल्थ में योर हॉस्पिटल शुड बी वेल इक्विप्ड विथ दिस इमीडिएट एनीथिंग हैपन्स इस ड्रग्स, आपको पता है कुछ एक 5-6 ड्रग्स हैं, द स्पेसिफिक टू द एलिमेंट्स एंड द प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज दैट गेट क्रिएटेड आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक ड्रग, द मेडिसिन एंड द डॉक्टर शुड बी केप्ट रेडी इन दैट डिस्ट्रिक्ट। सिक्योरिटी में वो तो पता ही है, वो लोकल बाय द वे वहां पे आप इंडियन आर्मी का भी सहारा ले सकते हैं, यू कैन सबमिट योर रिपोर्ट टू इंडियन आर्मी, वो तो फिर वो एकदम खत्म ही कर देंगे जो भी सीन है, मतलब टू द एक्सटेंट पॉसिबल। एंड यू कैन, इट्स लाइक यू नो हैंडिंग ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेटर एजेंसी व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल एजेंसीज, क्योंकि उसके साथ मान के चलो कोई यू नो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज भी हो रहा है, मानकर इसमें लिखा नहीं है, बट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, लेट द आर्मी टेक केयर ऑफ इट, व्हाई पुलिस हैज टू कम इनटू इट, आर्म्स भी आ रहे हैं तो आर्मी बेटर है ना, आर्मी कुछ करे उसके ऊपर। एंड फाइनेंशियल में फिर यहाँ पे ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो आप तो नहीं दे सकते, बट यस यू कैन अलोंग विद द डीएम ऑफ दी दिस थिंग, यस यस एब्सोल्युटली। एग्रीकल्चर इन इटसेल्फ कैन बी अ सेपरेट पॉइंट, हमने नहीं लिखा, बट इकोनॉमी में अगर सब पॉइंट नहीं लिखना है तो एग्रीकल्चर को अलग से पॉइंट भी लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे दे ऑल्सो मैंशन अबाउट पॉपी प्रोडक्शन। यस चेक पॉइंट्स तो हम अपने चेक पॉइंट्स डालें, वो तो ही चेक पॉइंट्स तो ना जाए। हाँ हमने वो चीजें कवर, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है।
डाल सकते हैं एक एडिशनल, बिकॉज दे हैव मेंशन, तो एक एडिशनल पॉइंट, बात सही है। ये भी कर सकते हैं, जैसे ये होता है ना कि जो अल्कोहल बैन के लिए जो कमेटी बनती है लोकल, उसमें विमेन को ले वो बैन कर ही देंगी उस गांव में अल्कोहल, क्योंकि दे आर दी विक्टिम ऑफ समबडी एल्सेस अल्कोहल कंजम्पशन। आप देखना बिहार में और महाराष्ट्र में भी, आंध्र प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में, बिहार में भी इनिशियली, अभी तो नहीं, अभी तो प्रोहिबिट कर दिया, वो प्रोहिबिशन आए जाए, यू नो गवर्नमेंट शुड ब्रिंग प्रोहिबिशन, इसकी जो मांग है वो प्रोटेस्ट हमेशा विमेन ने किया है सक्सेसफुली, अगर किया है तो। मेन तो जब बोलते हैं हम खुद ही पीते हैं, हम थोड़ी जाएंगे प्रोहिबिशन करने, तो इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि ये वाला आस्पेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट्स ईजी फॉर यू टू ब्रिंग इन द फैमिली मेंबर्स इमोशनल आस्पेक्ट एंड कर्ब दैट थिंग। इसलिए वो उड़ता पंजाब में भी प्रोटेगनिस्ट तो विमेन ही है, कौन सा, हाँ, बिकॉज सी द पॉइंट इज एज अ फैमिली दे आर ऑन द रिसीविंग साइड ऑफ दिस थिंग, नो नेगेटिव साइड ऑफ दिस थिंग। ठीक है, और कुछ?